उमरिया जिले के प्रतिष्ठित संस्थान आईपीएस इंटरनेशनल स्कूल में नवरात्रि के उपलक्ष्य में गरबा महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें नगर के वरिष्ठ अधिवक्ता, पत्रकार व गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व नगर पालिका मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। गरबे के रंगारंग कार्यक्रम के बीच में मतदाता जागरूक अभियान के तहत मतदाताओं को मतदान के लिए शपथ दिलाई गई और उसके बाद कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों से तो निश्चित रूप से ही उत्साहित है, लेकिन इस कार्यक्रम को देखने वाले अभिभावकों व गणमान्य नागरिकों ने भी इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि सामान्य शिक्षा के साथ इस तरीके की गतिविधियों में भी बच्चों को एक बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालयों में आवश्यक है, जिसमें उमरिया व आईपीएस इंटरनेशनल स्कूल हमेशा अग्रणी रहता है। अंत में मुख्य अतिथियों विद्यालय प्रबंधन के इस कार्यक्रम में उन्हें बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। आईपीएस स्कूल ने ये जो गरबा का आयोजन किया और साथ में जो अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी किया, निश्चित रूप से ये अच्छी पहल है विद्यालय परिवार की। और ये जो छात्रों की जो बौद्धिक विकास के साथ साथ जो अन्य बहु विकास के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, और मैं इसके लिए विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आगे भी और वो ऐसे ही अच्छे कल्चरल प्रोग्राम करते रहे, जिससे छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। आज नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, आज नौवा दिन है और आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में इस स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें बच्चों ने बहुत ही शानदार मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी कि नवरात्रि का महत्व बताया, कब कब नवरात्रियाँ आती हैं और इसमें क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, व्रत रखे जाते हैं, उपवास हैं, और बच्चे बड़े उत्साह और जोश के साथ इसमें हमको ये समझ में आया कि ऐसे कार्यक्रमों में माता पिताओं को भी जाना चाहिए। स्कूल के टीचरों के साथ में उनका आपसी वार्तालाप होता है, कुछ बच्चों की कमियां भी होती हैं तो कहीं ना कहीं टीचर्स उनको बताते हैं, और ये कार्यक्रम इतना बेहद रहा कि इसमें नगर के गणमान्य नागरिक, वकील लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, साथ में ही पत्रकार बंधु भी बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित हुए, सभी का सम्मान किया गया। और ऐसे कार्यक्रमों से धार्मिक शिक्षा भी मिलती है और आचरण के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमें अपनी परंपराओं को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे ले जाना है। और इस स्कूल में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि एक यूसी मास क्लासेस होती है, जो कि जिले के और किसी भी स्कूल में नहीं है, जिससे बच्चों को, आज हमने डेमो देखा तो जो मैथमेटिकल गणना है वो बच्चे एकदम से कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको झट से सॉल्व कर रहे थे, ये बड़ी अच्छी चीज़ देखी हमने। आज जो आईपीएस स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम हुआ है, उनमें उनकी जो प्रस्तुति है वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छे से उन्होंने गरबे को प्रस्तुत किया। और गरबा स्कूल शिक्षा के अलावा जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी आईपीएस स्कूल बहुत आगे है। यहाँ पर जो यूसी मास का सिलेबस चलता है, कोर्स चलता है, उसमें बच्चों की प्रतिभा प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैंने देखी है, बच्चों का नाम है। तो मुझे गर्व है इस स्कूल पर और यहाँ के शिक्षकों पर, जो विद्यार्थियों को इतनी लगन से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर तौर पर इनवाइट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा।